बात ही है उन कंट्रियों में, साइबेरियन कंट्रियों में जहां बहुत ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, इतने रुमाल लोगों के पास व्यवस्था नहीं हो पाया करती थी, तो गले में टाई बांधे थे नाक पोंछने के लिए, और उसको तुमने जेंटलमैन बना दिया, वो जेंटलमैन हो गए, नाक पोंछने वाली चीज से जेंटलमैन बन गए। आज तो कितनी माताओं का सपना टूट जाएगा, है हमारा लड़का क्या टाई लगा के लगता था, बाबा ने तो धो दिया। अरे मैया, हमारी ये शिखा, हमारे तिलक, हमारी धोती और हमारे सनातन संस्कृति की वाणी और पोशाक, सारी दुनिया इसकी दीवानी है। हम फटे जींस वाले लोग नहीं हैं, यहां भारतवर्ष में ज्ञान के लिए लोग आते हैं। भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, यह भी एक बात है। भा का मतलब होता है सूर्य, भा किरणवाचक, प्रकाशवाचक, और रत जो सदा सूर्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले लोगों का जहां निवास स्थान है उसको भारत कहते हैं। हम ज्ञान में रत रहने वाले लोग हैं और भारत का कोई मतलब नहीं है। पर अब ज्ञान तुम्हारे कहां है, तो लंदन छाप ज्ञान लेके आ रहे हो, अमेरिका छाप ज्ञान लेके चले आ रहे हो। 7 दिनों तक धुलाई नहीं होगी, हम खुद धुलने आए हैं आपसे, आपकी भक्ति से हमें धुल दो, आपके ज्ञान से आप हमें धुल दो, आपके वैराग्य से आप हमें धुल दो। पर व्यासपीठ पर बिठाया है तो व्यासपीठ तो ईमानदार रहेगा, व्यासपीठ तो ईमानदारी से बात करेगी। अगर व्यासपीठ पर बिठाया है तो आपके जीवन में एक एक प्रश्न, आज बलदेव के लोग आप जो सब यहां बैठे हैं, एक बात आपको कहता हूं, अगर ठीक ठीक 3-3 साढ़े 3-3 घंटे अगर हृदय से बैठ गए, और मैं अब ये चैलेंज इत्यादि करना ये तो बहुत बेकार की बातें हैं, अपने सारे प्रश्नों को अपने मन में रख लो या लिख के जेब में डाल के रख लो, और 7वें दिन कोई ऐसे प्रश्न तुमने न लिखे होंगे जिसका जवाब इस व्यासपीठ से तुमको न मिल जाए, ये तुम लिख के रखो। ये चमत्कार नहीं है, ये भारत की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है। ये कॉमन चीजें हैं जिससे दुनिया परेशान है। तुम मत समझना कि तुम्हारे घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है। ये सारी चिंताएं मानसिक हैं, हमारे मन बिगड़े हैं, हमारी इंद्रियां बिगड़ी हैं। और भागवत की कथा अगर ठीक से कोई श्रवण मात्र कर ले तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, धन आत्मा, धन परमात्मा, इतने अभी भेदने हैं आप, इतने दरवाजे भेदने पड़े, पर जो शरीर तक ही सीमित है, शरीर से ऊपर उठना ही नहीं है, इंद्रियों के बारे में पता ही नहीं है, मन के बारे में पता ही नहीं है, चित्त के बारे में पता ही नहीं है, बुद्धि के बारे में पता ही नहीं है, अहंकार के बारे में पता ही नहीं है। अहंकार कौन, अहंकार ईगो, ये भी पता नहीं अहंकार किसको कहते हैं। बिना जाने, बिना ज्ञान के था विद्या वा विमुक्ते, विद्या का एक ही काम है, हमारे वेदों में शास्त्रों में लिख दिया गया, विद्या उसको कहते हैं जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। तुम्हारे बच्चों के पीठ पे टंगे हुए ये 5-5 किलो के बस्ते उनको मुक्ति नहीं दे रहे, बल्कि उनके जीवन में और टेंशन और डिप्रेशन भर रहे हैं, डिग्रियां लेकर के बेरोजगार होके घूमते चल रहे हैं। पर हमारी विद्या का परिभाषा तो ये था, सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जिससे मुक्ति मिलती है, लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता मिलता है, आनंद मिलता है। आपकी विद्याएं काम क्यों नहीं कर रही, आपके पढ़े लिखे बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों बक्सर के डीएम आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास करने के बाद घर में छोटी सी कोई झंझट हो जाती है, एक छोटी सी बात हो जाती है, और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस भारत में सबसे बड़ी विद्या मानी जाती है, घर में थोड़ा सा खटपट हुआ, जिनके ऊपर पूरा जिला का नियंत्रण का जिम्मा दिया गया था, जिनको जिलाधिकारी बनाया गया था, लेकिन एक तनाव झेल नहीं पाए और गाजियाबाद में जाकर के अपने जीवन को ट्रेन के नीचे डाल करके आत्महत्या कर लिया। क्या ये विद्या है, क्या ये विद्या आपको मुक्त करेगी?